नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस डॉक्टर डी चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 21 जून को जो योगा डे मनाते हैं या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, जो आज का दिन है 21 जून, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि भाई आज ही के दिन हमें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के क्यों मनाते हैं या फिर वो इसकी शुरुआत किस तरह से हुई, तो उसके बारे में डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज का जो दिन है 21 जून, उसके अंदर पूरी दुनिया यानी कि सारा जो वर्ल्ड है अच्छी तरह से योगा को एक बड़े उत्सव यानी कि बड़े त्यौहार की तरह मनाएगा, और ये खाली भारत नहीं यानी कि सारी दुनिया के लोग इसको एक बड़े उत्सव की तरह मनाते हैं। लेकिन जो योगा के रिलेटेड प्रोफेशन में है उसके लिए तो योगा डे मीन्स के एक दिवाली की तरह योगा डे को हम मनाते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन आप सब लोग मेरे ख्याल से जल्दी उठे होंगे, और कुछ लोगों को मन भी नहीं होगा उठने का, लेकिन फिर भी उनके फैमिली मेम्बर के प्रेशर की वजह से उनको जल्दी उठाया गया होगा और उनको योगा को करवाया गया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने आज साल में पहली बार योगा किया होगा, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो योगा डे की वेट कर रहे थे कि योगा डे आएगा और उसके बाद हम योगा को स्टार्ट करेंगे। तो आज यही दिन है जहाँ से आप अपनी हेल्थ को और अच्छी मेंटेन करने के लिए अपनी शुरुआत कर सकते हैं, और जिनके लिए योगा सब कुछ है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा दिन है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए उनको और ज़्यादा एनर्जी मिलता है। तो दोस्तों, मेरा खुद का भी ऐसा ही था कि मैं जब जून महीना स्टार्ट होता है, और 21 जून तब तक तो बहुत देर होती है, लेकिन मैं जून महीने से ही एक्साइटमेंट में रहता हूँ कि कब 21 जून आएगी और कब हमारे जो मैं जहाँ पर काम करता हूँ जो सेंटर में, वहाँ पर किस तरह से योगा करवाऊँगा, किस तरह से वहाँ पर सेटअप करूँगा, कौन से आसन में करूँगा, वो सारी चीज़ें मैं महीने के स्टार्टिंग से ही सोचना शुरू कर देता हूँ। और मुझे बहुत ही एक बड़े आनंद की बात होती है कि मैं सारे लोगों को एक अच्छी सी चीज़ सिखा रहा हूँ जो कि योग है। लेकिन तब सवाल ये आता है कि 21 जून को ही क्यों योगा डे मनाते हैं, या फिर आज के दिन योगा डे मनाने का क्या तात्पर्य है, क्या मेन उद्देश्य है या फिर क्या पर्पस है कि 21 जून को ही विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, शायद आप में से कुछ लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं उसमें से कुछ लोगों को पता होगा कि आज ही के दिन ये विश्व योगा दिवस क्यों मनाया जाता है या फिर इंटरनेशनल डे योगा क्यों मनाया जाता है। लेकिन जिनको पता नहीं है या फिर जिनको इसके फैक्ट्स के बारे में पता नहीं, यानी कि ये कब स्टार्ट हुआ, किसने पहल की या फिर किन लोगों ने सम्मति दी या फिर कहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई, तो ये सारी बातें आज मैं फैक्ट के साथ या फिर डेट वाइज आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि 21 जून को विश्व योग दिवस को क्यों मनाया जाता है, और उसके बारे में जो भी रिलेटेड जो जानकारी है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप योगा के स्टूडेंट हो या फिर आप योगा टीचर हो या फिर आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में आपको योगा के रिलेटेड कुछ ज्वाइन करना है या फिर आपको योगा का कोर्स करना है या फिर आपको योगा कोर्स योगा के क्लासेस को ज्वाइन करना है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि आज का दिन जो है 21 जून, क्योंकि आपके मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि क्यों आखिर 21 जून को ही हम विश्व योगा दिवस मनाते हैं। तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए कि आज ही के दिन हम योगा दिवस को क्यों मनाते हैं। तो इस वीडियो के जरिए मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि आज के दिन हम विश्व योगा दिवस क्यों मनाते हैं। तो अगर इस डिटेल को आपको जानना है तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं सारी फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो कि आपको जाननी जरूरी होगी। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि जब श्री नरेंद्र मोदी 2014 के इलेक्शन में जीते और पहली बार श्री नरेंद्र मोदी जी इंडिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, जब उन्होंने इंडिया की कमान संभाली एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बाद यानी कि 27 सितंबर को यानी कि आज से 5 साल पहले 69th यूनाइटेड नेशन की जब बैठक थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक, तो तब नरेंद्र मोदी जी ने सारी दुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना योगा को एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाए या फिर योगा को एज एक बड़े उत्सव की तरह मनाया जाए। और कुछ ही दिनों में यानी कि मेरे ख्याल से 3 महीने के अंदर अंदर ही उसको प्रस्तावित किया गया, और सारे विश्व के जो बड़े बड़े देश थे उन लोगों ने इस बात पे सम्मति जताई थी कि हाँ, योग को एक बड़े दिन के रूप में या फिर एक विशेष रूप के दिन में हमको मनाना चाहिए। तो ये पूरी दुनिया के लिए तो बड़ी बात थी, लेकिन हमारे इंडिया के लिए सबसे बड़ी बात थी, एक मानो तो हमारी दुनिया के सामने एक सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि
इंडिया के अंदर ही योग की शुरुआत हुई है और हम ही ने योग का जो ज्ञान है सारी दुनिया को दिया है और हम ही से योग का जो प्रचार है पूरी दुनिया के अंदर गया है। तो हम विश्व के जो योग के जो बोलते हैं ना स्तंभ या फिर पिलर बोलते हैं वो हम इंडियन ही है और हमको ये इस बात पे गर्व होना चाहिए कि श्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को पूरी वर्ल्ड के सामने रखा और पूरी वर्ल्ड को मनाया कि योग को एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाए। तो आइए देखते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी का एक छोटी सी वीडियो क्लिप जहां पर उन्होंने 27 सितंबर को जब संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में स्पीच दी थी और उन्होंने सारी दुनिया के जो लीडर को बताया था कि भाई इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाना चाहिए या फिर हम योगा को एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाए, तो उन्होंने किस तरह से सारे लोगों को एग्री किया था या फिर मनाया था या फिर समझाया था वो सारी बातें इस वीडियो के द्वारा आपको समझ में आ जाएगी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए विश्व समुदाय से अपने इन्हीं शब्दों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का आह्वान किया था। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य कर। तो ये जब प्रस्ताव रखा गया नरेंद्र मोदी के द्वारा तब ये अपने आप में एक बड़ी जीत थी क्या, क्योंकि 90 दिन के अंदर ये पूरे वर्ल्ड जो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया और उसे वेलकम किया और उन लोगों ने मान लिया कि हाँ हमें विश्व योग दिवस को एक बड़े दिन के रूप में मनाना चाहिए। फिर क्वेश्चन ये आया कि कौन सा दिन ऐसा होना चाहिए या फिर कौन से दिन के अंदर जो ये दिन है विश्व योग दिवस हो उसको हमें मनाना चाहिए। तो फिर नरेंद्र मोदी ने इंडिया में जो भी बड़े बड़े योग टीचर है या फिर योग आचार्य है या जिन्होंने योग के अंदर ही अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है उन लोगों से विचार विमर्श किया, उन लोगों से डिस्कस किया और फिर एक दिन ऐसा फाइनलाइज किया जहां पर 21 जून को उन्होंने बताया कि 21 जून ही हमारा एक विश्व योग दिवस होना चाहिए। मोदी सरकार के अथक प्रयासों के ही कारण सन 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का अनुमोदन किया गया। प्रस्ताव को 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में 177 सह समर्थक देशों की रिकॉर्ड सर्वसम्मति प्राप्त हुई। उसके पीछे भी एक सबसे बड़ी वजह है या उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है जो कि आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सारे लोगों से डिस्कस करने के बाद यहाँ पर फाइनलाइज हुआ कि 21 जून को ही हमें विश्व योगा दिवस मनाना चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यहाँ पर उसको मनाना चाहिए। तो मेरा ये सवाल है कि आपको अगर शायद पता है ना पता है लेकिन 21 जून को ही क्यों फाइनलाइज किया, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि क्यों 21 जून को ही हमें विश्व योगा दिवस मनाया गया। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है या फिर साइंटिफिक रीज़न यही है कि 21 जून को हमारा जो पृथ्वी का जो गोलार्ध है वो उत्तरी दिशा में जाता है, यानी कि जो हमारा 21 जून का दिन है वो हमारी पूरे साल के अंदर जो 365 दिन होते हैं उसी के अंदर सबसे बड़ा दिन की तरह होता है। यानी कि इस दिन क्या होता है कि सूरज जल्दी उगता है, यानी कि सूर्योदय जल्दी होता है और सूर्यास्त बड़ी देरी से होता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी गिफ्ट है सूर्य देव की तरफ से हमें कि इसी दिन सूर्य की किरणें हमें ज़्यादा जल्दी मिलती है और बड़ी देर तक हमें हमारे शरीर को ये ऊर्जा प्रदान करती है। तो सूर्य एक है हमारे लाइफ फोर्स है जो कि पूरे विश्व को एक ऊर्जा प्रदान करता है और हमें लाइफ टाइम एक अच्छी सी एनर्जी देता है। तो योग के साथ इसका क्या कनेक्शन है कि जब सूर्य हमें ऊर्जा देता है
तो योग के द्वारा भी हमें हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आती है, वाइटलिटी आती है, और योग से ही हमारा जो जीवन है अच्छा होता है, लंबा होता है, और योग से ही हमें एक अपने अच्छे हेल्थ की प्राप्ति होती है। तो सूर्य और अपना योग दोनों का इस तरह से मिलन होता है, और अच्छी तरह से इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा आपको लाभदायी होता है। और दूसरा एक रीज़न ये है कि 21 जून के बाद सूर्य अपनी दिशा बदलता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है, यानी कि 6 महीने तक सूरज अपना बड़ा बड़ा दिन करते आता है, और फिर 21 जून के बाद 21 दिसंबर तक वो दिन धीरे धीरे अभी छोटा होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि आज 21 जून है और कल जब 22 जून होगी तो धीरे धीरे अभी स्लोली स्लोली अपना जो दिन है वो धीरे धीरे दो 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 मिनट तीन तीन मिनट छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो 21 जून है सबसे बड़ा दिन होता है, और उसी के अंदर हमारे शरीर के अंदर एक एनर्जी का एक बड़ा सा भंडार आ जाएगा जो कि सूरज की किरणों से हमें मिलता है, और योगा जब हम करेंगे तो योग से ही हमें एक अच्छी ऊर्जा मिलती है, और उसी दोनों का कॉम्बिनेशन जब आएगा हमारे शरीर में तो हमारा जो हेल्थ है अच्छी तरह से इम्प्रूव होगा। और दूसरी एक कहानी है जो कि पुराणों में बताई गई है, कि पुराणों में एक मान्यता है कि भगवान शिव जो कि सबसे बड़े सोर्स है और उसी के थ्रू योगा की शुरुआत हुई या फिर वहीं से योगा का उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को इकट्ठा किया और सप्त ऋषियों को 21 जून के टाइम, यानी कि तब तो ये डेट वाइज नहीं था लेकिन उसी दिन योगा की शिक्षा दी थी, और सप्त ऋषियों को बताया गया था कि सारे विश्व में योग का प्रचार प्रसार किया जाए। तो दोस्तों भगवान शिव जी का यही मानना था कि योग एक सबसे बड़ी सिद्धि है, या फिर एक योग एक बड़ी हेल्थ के रिलेटेड जो भी आपको, या फिर मन के रिलेटेड जो भी आपको उन्नति करनी है उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है। तो भगवान शिव का यही एक गोल था कि योग है जो नॉर्मल आदमी के पास जाए, या फिर एक जो हमारा नॉर्मल आदमी है उसको भी ये कर पाए, और उनका ये गोल था। क्योंकि मोदी जी की वजह से या फिर बाबा रामदेव जी की वजह से आज योग को आप हर घर में देख सकते हो, आप हर जगह कर सकते हो, और ये खाली इंडिया में नहीं पूरी विश्व के अंदर योग को सारे लोग करते हैं, और मेन है हम इंडियन, तो इंडियन की वजह से योग का जो प्रचार प्रसार है वो ज़्यादा विश्व के लेवल पे बढ़ गया है। तो दोस्तों यही कहानी थी कि 21 जून को किस तरह से हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो एक पौराणिक कथा है कि भाई जहाँ पर भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को अपनी योग की शिक्षा दी, और जो दूसरे साइंटिफिक फैक्ट्स है जहाँ पर इस 21 जून को सबसे बड़ा दिन होने की वजह से चुना गया, तो ये दोनों रीज़न की वजह से आज हम 21 जून को योगा डे मनाते हैं। तो मेरी यही दिल से ख्वाहिश है कि आप भी सब लोग हर साल 21 जून को एक बड़े उत्सव की तरह मनाइए, एक स्पेशल दिन की तरह मनाइए, और अपने फैमिली के साथ अपने परिवार के साथ एक योगा कीजिए और अपनी हेल्थ को अच्छी तरह से मेंटेन कीजिए। तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आपके आसपास जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड जहां पर काम होता है वहां पर सारी जगह के ऊपर या फिर सार्वजनिक जगह है वहां पर योग को एक बड़े इंटरनेशनल डे के दिन के अंदर मनाया जाएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी जाइए, अगर आज नहीं गए तो आप नेक्स्ट ईयर पहले से तैयारी करके सुबह उठिए, अलार्म रखिए और अपने योग दिवस को अच्छी तरह से मनाइए, और जितना आप योग करेंगे उतना ही आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, क्योंकि उससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, उसके लिए मसल स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है, और योग से हर एक सेल्स के अंदर आप में एक जान आएगी, तो आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा का एक बड़ा सा संचार हमेशा बना रहेगा, आप कभी भी डल फील नहीं करेंगे, आपके अंदर नेगेटिविटी स्टार्ट नहीं हो जाएगी, आप ऑलवेज पॉजिटिव थिंक करेंगे। तो हम फिट तो इंडिया फिट, जितना इंडिया फिट रहेगा उतना ही हम पूरे विश्व के अंदर अपना लोहा मना पाएंगे। अगर दोस्तों मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो या फिर एग्री हो, या फिर आपके पास योगा दिन के लिए रिलेटेड कुछ भी और भी विशेष जानकारी, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताइए, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मेरे द्वारा आपका नाम लेकर भी वहाँ पर मेंशन करूँगा कि हाँ ये जानकारी मैंने इस वीडियो में नहीं बताई थी, तो मैं वो जानकारी को अगले वीडियो में भी ऐड कर सकता हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सारा इंडिया उसको देख पाए और सारे लोग अच्छे हेल्दी बन पाए। तब तक के लिए योगा का आनंद उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।